पति पत्नी से तंग आकर कोर्ट के अंदर जाते हैं, तलाक का केस फाइल करते हैं। कोर्ट को ये बोलते हैं कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दीजिए। तो कोर्ट ये बोलती है कि हम आपको तलाक क्यों दें, हम आपको तलाक नहीं देंगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पति के पास में पत्नी खुद ही सबूत छोड़ के जाती है, और दो सबूत होते हैं पति के पास में, एक भी नहीं दो सबूत होते हैं। और इन दो सबूतों को अगर पति तलाक के केस के अंदर लेके जाते हैं, कोर्ट से तलाक मांगते हैं, तो बिल्कुल कोर्ट के द्वारा पति का तलाक ग्रांट कर दिया जाएगा, पति को तलाक दे दिया जाएगा। क्योंकि ये पत्नी के छोड़े हुए दो सबूत पति के पास में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनके आधार पे डेफिनेटली कोर्ट पति को डाइवोर्स दे ही देती है, पति का डाइवोर्स ग्रांट कर ही देती है। तो दो सबूत कौन से हैं जिनको पति को अवश्य कोर्ट के अंदर लेके जाना है, अगर डाइवोर्स लेना है यानी कि तलाक लेना है तो बिल्कुल पति को सक्सेस मिलेगी, इन्हीं की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पर बार बार नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मिल रही है तो पूरा फायदा उठाइए, अंत तक बने रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। पति के द्वारा अगर डाइवोर्स यानी कि तलाक का केस फाइल किया जाता है तो स्पेशली दो ग्राउंड के आधार पर फाइल किया जाता है, एक तो होता है एडल्ट्री का और दूसरा होता है क्यूरल्टी का। तो एडल्ट्री बेस पे तलाक आसानी से मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि एडल्ट्री प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, इसके ठोस एविडेंस यानी कि सबूत पति के पास में होने चाहिए, जिनके आधार पे देखते ही कोर्ट को ये पता चल जाना चाहिए कि बिल्कुल ये पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तब तो कोर्ट जरूर एडल्ट्री ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स दे देती है। पर ऐसे ठोस सबूत पति के पास में होते ही नहीं है, एडल्ट्री के पति प्रूफ ही नहीं कर सकता है, क्योंकि पत्नी जब भी एडल्ट्री के अंदर रहती है यानी कि जो भी अगर उसका किसी के साथ में अवैध संबंध होता है तो गुपचुप के अंदर होता है, यानी कि ओपनली ऐसा नहीं करती है। इस वजह से पति के पास में उनके एविडेंस नहीं आ पाते हैं, एविडेंस नहीं बन पाते हैं। तो जब तक पत्नी की एडल्ट्री के एविडेंस नहीं बनेंगे, पति के पास में एविडेंस नहीं आएंगे, तब तक पति को एडल्ट्री बेस पे डाइवोर्स मिलेगा ही नहीं। अब दूसरा आता है डाइवोर्स लेने का क्यूरल्टी ग्राउंड। तो क्यूरल्टी ग्राउंड के बहुत ज्यादा मामले होते हैं डाइवोर्स के, पर क्यूरल्टी भी बड़ी आसानी से साबित नहीं किया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में भी क्यूरल्टी हो जाती है। जैसे अगर पत्नी के द्वारा ऊंची आवाज के अंदर बात की गई है, पति की कोई बात नहीं मानी गई है, तो ये भी क्रुएल्टी होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी क्रुएल्टी के ही दो सबूत ऐसे पति के पास में छोड़ के जाती है जिनको अगर पति कोर्ट के अंदर क्रुएल्टी ग्राउंड के अंदर लेके जाते हैं, डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो डेफिनेटली 101% कोर्ट बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, पति का डाइवोर्स ग्रांट कर देगी। तो पहला सबूत तो कौन सा आता है जो पत्नी पति के पास में छोड़ के जाती है। देखो पत्नी अगर गलत है तो पति के साथ में जब भी रहती है, पति के माता पिता के साथ में जब भी रहती है, वो गाली गलौज करती है, धमकियां देती है, पति के माता पिता के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए मारपिटाई तक कर देती है, उनको खाना वगैरह नहीं देती, आए दिन वो पति और पति के घर वालों के साथ में घर कलेश बना के रखती है, उनको शांति से नहीं रहने देती है। तो पति को ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है, पति के पास में खुद के पास में एक मोबाइल होता है, तो मोबाइल के माध्यम से पत्नी की उन गलत एक्टिविटी का वीडियो पति को बनाना है, जितने वीडियो पति से बन सके उस पत्नी की गलतियों के, तो वो वीडियो पति को बनाने हैं, चाहे दो दो पांच पांच मिनट के ही बनाए, पर पति को जरूर बनाने हैं। जब भी मौका मिले पति को वीडियो बनाने हैं पत्नी की गलतियों के। अगर मौका नहीं मिलता है, पति अगर पत्नी की गलतियों के वीडियो नहीं बना सकते हैं, मोबाइल से नहीं बना सकते हैं, तो घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगवा सकते हैं, और ये भी अगर पति नहीं कर सकते तो घर के अंदर हिडन कैमरे लगवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पत्नी की गलतियों की ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के ऐसे सबूत यानी कि एविडेंस पति को बनाने हैं। तो ऐसे क्रुएल्टी के सबूत बनाने का मौका पत्नी खुद पति को देती है, उसके साथ में उसके घर वालों के साथ में गलत एक्टिविटी करती है, तब पति को मौका निकाल के उस पत्नी की गलत एक्टिविटियों के यानी कि क्रुएल्टी के एविडेंस यानी कि सबूत जरूर बनाने हैं। जैसा कि ये सभी को पता है कि पत्नी एडल्ट्री तो पति के सामने नहीं करती है, पर क्रुएल्टी तो जरूर करती है। तो पहला सबूत तो ये होता है जो पति को डाइवोर्स यानी कि तलाक के केस के अंदर क्रुएल्टी ग्राउंड का लेके जाना है, और दूसरा सबूत होता है आई विटनेस यानी कि गवाह। अब ये गवाह यानी कि आई विटनेस कौन होगा, जैसे पति के घर के अंदर कोई काम करता है, या फिर पति के आस पड़ोस का कोई व्यक्ति है जो पति के डाइवोर्स केस यानी कि तलाक के केस के अंदर पति की साइड से गवाही दे सके, जो पति का पक्ष लेते हुए तलाक केस के अंदर बता सके कि मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, किसी का भी डर नहीं है, मैंने खुद ने मेरी स्वयं की आंखों से देखा है कि इस पत्नी ने इन पति और इनके माता पिता के साथ में बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया है, आए दिन परेशान करती रहती है, अत्याचार करती रहती है, मैं इन इन तारीख को इन इन महीने के अंदर इन इन साल के अंदर पत्नी की गलत एक्टिविटी को देखा हूं जो पति के साथ में गलत किया है, पति के माता पिता के साथ में पत्नी ने गलत किया है। तो ये होता है दूसरा सबूत जो पत्नी खुद पति के पास में छोड़ के जाती है, यानी कि पति इन दोनों सबूतों को डाइवोर्स यानी कि तलाक के केस के अंदर लेके जाते हैं,
तो 101% पति को डाइवोर्शन की तलाक कोर्ट दे देगी। कोर्ट को तलाक यानी कि डाइवोर्स देने के अंदर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।